हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सालू कटारे व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं एक बार व्लॉग को स्टार्ट। नहीं है यहाँ पे, नीचे रखी होगी। जाओ पूछो, मट्टी हवा। जाओ पूछो, नीचे रखी होगी मट्टी हवा। मट्टी अभी मैं एक बार इसको मट्टी दे दूँ, पीछे ही पड़ा रहेगा नहीं तो आज। तो जी मेरा अभी काम फिनिश हुआ है, सब काम हो चुका है टोटल। और टाइम हो रहा है 12 बजने में, सिर्फ 10 मिनट है तो काम हो चुका है। और आज है तीज, सबको हैप्पी हरियाली तीज। तो एक सेकंड, मैं ना ही मैंने स्लिप फोल्ड कर रखी है। तो देखिए इसकी ये ऐसी स्लीव है और ये मैंने फोल्ड कर देती ना, क्योंकि काम करते हैं ना पानी वानी का तो लगती है। तो आज तीज है तो सबको हैप्पी हरियाली तीज। एंड देखिए मेहंदी मैंने लगा ली थी रात को, ये इतनी लग रही है, ऐसी लगी क्योंकि लेटे लेटे लगाई ना। मुझे छोटा वाला बेटा ना, मेरा वो बार बार उठ रहा था, तो फिर मैंने लेटे लेटे ही लगाई है, जैसे लगे अभी साथ में। तो बस ऐसी सिंपल सी। तो जी बस अब काम सब हो चुका है, शाम को बनेगी कचौड़ी और रायता। आज के दिन यहाँ पर तीज पे कचौड़ी और रायता ही बनता है, तो वही बनेगी। तो अभी बस मैं नेल पेंट लाऊंगी, नेल पेंट रह रही है। अब काम से फ्री हूँ तो अब अपने पे थोड़ा ध्यान दूंगी। पसीने देखो कैसे आ रहे हैं। बस मैं सुबह मंदिर चली गई थी ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर और चली गई। फिर उसके बाद मैंने आपसे कोई बात ही नहीं करी, फिर मैं काम में लगी सीधा। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, अभी उनका संडे भी ऑफ नहीं है तो इसलिए संडे को ऑफिस आ रहे हैं। तो जी बस अब तक तो यही है। और मैं दिखा देती हूँ आज का अपनी साड़ी। तो ये देखिए, ये है मेरी आज की साड़ी, सिंपल है, थोड़ा धूप से निकाल देती हूँ। ये देखिए साड़ी मेरी आज की, ग्रीन ग्रीन। एक मेहंदी देख लीजिए, एक में सिंपल, एक में थोड़ा बहुत जो मैंने को आता था लगाना वो लगा लिया। तो जी बस अभी तो फिलहाल यही है, मैं मिलूंगी आपसे बाद में, तक के लिए बाय। तो गाइस कैसे हम ऊपर आ चुके हैं दोनों, एक बजने वाला है, 8 मिनट रह गए बस। तो अभी बस मैं इसको लेके लेटी हूँ, रोता रहेगा। देखिए इसको ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, गुस्से में ना बहुत मारता है। अरे भैया पिटेगा मुझसे। क्या है, नींद आ रही है? नींद आ रही है? तो चलिए जी मैं इसको सुलाती हूँ आपसे। तो गाइस टाइम हो चुका है 6 बजने में, सिर्फ 8 या 9 मिनट रह रहे हैं। तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे बॉयल होने के लिए। एंड अब मैं जा रही हूँ बस किचन में, मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यार काम ज़्यादा जरूरी है, बस समझ जाओ कि त्यौहार का दिन है। और फिर ना जो आती है ना आंटी जिन्हें देते हैं खाना, जो मतलब कूड़ा वगैरह लेके जाते, पता नहीं उन्हें जमादार नहीं बोलते शायद, तो उनको भी देते हैं ना, तो वो आ जाएंगी जल्दी। तो इसीलिए मेरे को अब जाना पड़ेगा फटाफट से बस खाना बनाने के लिए। बस मैं आपको बताने के लिए आई थी। और देखभाल मैंने ये चूड़ी पहनी है ऐसे ग्रीन में। तो जी बस अब मैं जा रही हूँ, मिलूंगी आपसे बाद में खाने के साथ, खाना दिखाऊंगी आपको मैं बस। तो गाइस काम मेरा हो चुका है लगभग सब, खाना वाना सब बन चुका है। तो बस अभी जो छोटे वाला देवर है ना, वो अभी आया नहीं है, वो आज गया है शिव अभिषेक में। जो मेरे जेठ हैं, इनके कज़न ब्रदर है जो, उनके उसमें गया है शिव अभिषेक में, तो वो अभी तक वहाँ से आया नहीं है, सुबह का गया हुआ है। तो जब वो आ जाएगा तभी पापा भी खाना खाएंगे, उसके बाद में ही सब खाना खा लेंगे। और अभी मैं भी रह रही हूँ, तो बस मैं काम ख़त्म हो चुका है मेरा, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए किचन में क्लीन कर चुकी हूँ, अभी कढ़ाई नहीं धुली है क्योंकि कढ़ाई बहुत बेकार हो जाती है, मैं दिखाऊंगी भी नहीं आपको उसके साथ। मैं कचौड़ी दिखा देती हूँ, कोई देखिए
ये देखिए कचौड़ी बन रही है, ये रही आलू की कचौड़ियाँ, और ये हमने ना वो बनाए थे पूड़े, अठावड़ी निकलती है ना, अठावड़ी पीसते तो इसीलिए पूड़े बनाए थे, और ये रहा रायता बूंदी का। तो बस काम सब हो चुका है, मैं पानी की बोतल लेके जाऊंगी, फिर करूंगी कपड़े चेंज। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सालू कटारिया ब्लॉग। एंड अगेन हैप्पी तीज, अब तो बस ख़त्म ही हो गई है, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने कैसे कैसे तीज बनाई है अपने घर में। हमारे तो ऐसी ही बनती है, कचौरियाँ बनती है, रायता बनता है, सब्जी भी बना सकते हैं, पूड़े बनते हैं जो अठावड़ी निकलती है, तो बस अठावड़ी बस 8 पूड़े निकलते हैं गाय के और 2 कचौरी वगैरह, वही कुंडारा भरा जाता है, तो वो तो किसी किसी को अगर पता होगा तो वो तो भूल जाते हैं, तो कुंडारा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट अठावड़ी करने के लिए इसलिए पूड़े भी बने। तो बस मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ पर एंड। देखिए रोना स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।